सामाजिक न्याय मंत्री गोपाल भार्गव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कई ऐसे वृद्ध हैं जिन तक अभी तक व्हीलचेयर नहीं पहुंच पा रही, वृद्धाश्रम में भी कई ऐसे वृद्ध हैं जिनको व्हीलचेयर की दरकार है, उसके लिए आपके विभाग क्या कर रहा है? एलएमको से और भी दूसरी जो निर्माता कंपनियां हैं इनसे हमारा हमेशा कहना रहता है कि जैसे हमारे ऑर्डर का प्लेसमेंट हो तुरंत हमारे लिए सप्लाई करें, पैसे की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त राशि है इस हेड में, और जहाँ से जैसी भी डिमांड आती है सामान्यतः इसकी डिमांड जिले के कलेक्टर्स भेजते हैं और कलेक्टरों के द्वारा जैसी भी हमको 2-5 लाख 10 लाख रुपए की जितने की आवश्यकता बताई जाती है समय समय पे वो कैंप भी लगाते हैं जिनमें चेयर्स का, कैलीपर्स का, श्रवण यंत्रों का और भी अन्य जो निःशक्तजनों के लिए अंग होते हैं या एपरेटस होते हैं, उपकरण होते हैं, उनका वितरण करते हैं, निःशुल्क करते हैं। तो जैसी डिमांड आती है मेरे पास में एक दिन भी नहीं रुकती और अनुमति हम देते हैं। बड़े बड़े इसमें आयोजन भी हुए हैं, बहुत बड़े मेले भी लगे हैं, एक एक मेले में 2-2, 4-4 हज़ार लोग लाभान्वित हुए हैं। तो आप किसी जिला विशेष के बारे में बताएं जहां ये चेयर्स नहीं पहुंची हों, हम चेयर्स भिजवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सर, भिक्षावृत्ति भी एक बड़ा एक समस्या बनकर उभर रही है। भोपाल की हम बात करें तो कई ऐसे गैंग जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, जिला प्रशासन का इस पर ध्यान नहीं है, लेकिन आपका सामाजिक न्याय विभाग क्या कर रहे हैं? सामान्यतः सामाजिक न्याय विभाग में इतने कर्मचारी नहीं हैं, हमारे ज़िले में सिर्फ 2-3 कर्मचारी रहते हैं, एक डिप्टी डायरेक्टर, वो भी आधे ज़िलों में हमारे पास में अभी डिप्टी डायरेक्टर नहीं है, वो हम किसी डिप्टी कलेक्टर को प्रभार दे के या किसी दूसरे अधिकारी को प्रभार दे के काम चलवाते हैं। एक आध हमारे पास में कोई क्लर्क या भृत्य होता है, इसके अलावा हमारे पास में अमला नहीं है सामाजिक न्याय विभाग में। हम लोगों ने जिम्मेवारी पुलिस विभाग को या फिर अन्य जो दूसरे विभाग से संबंधित हैं, नगर निगम हैं, नगरीय निकाय हैं या फिर उनको दी हुई है, वो चिन्हित करके और इनके पुनर्वास के लिए जो भी हमारे पास में प्रस्ताव भेजते हैं हम लोग करते हैं। पुनर्वास के अंदर भी इनके बने हुए हैं, और आवश्यकता होगी तो और बना देंगे जितने ज़्यादा आवश्यक होगी, लेकिन लोग आए बताएं। गाँव में चौपाल की बहुत बेहतर योजना आपका विभाग संचालित करता है, इसको और ज़्यादा वृहद स्तर पर आगे ले जाने के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? मेरा प्रयास है कि राज्य के सही 52,000 गांव में उनका ग्राम चौपाल हो। हमने देखा कि अक्सर शाम के समय लोग, दिन में भी कभी कभी, अभी जैसे ठंड का मौसम है धूप में भी बैठ जाते हैं, चौपालों पर चर्चा करते हैं, शाम को वहाँ पर एक आध अलाव जगाल जला के चर्चा करते हैं। तो गांव में जो समरसता है, सामाजिक भी, सोच की भी समरसता, सभी प्रकार की समरसता बढ़ती, बुराइयाँ कम होती हैं, मिटती हैं, राजीनामे हो जाते हैं, चौपाल का बहुत महत्व आदि काल से। तो मेरा प्रयास है कि सभी 52,000 गांव में उत्कृष्ट कम किस्म की चौपालें, ऐसे नहीं, अच्छी चौपालें जिनमें अच्छा ग्रेनाइट लगा हो, मार्बल लगा हो, छाया हो, इस प्रकार की चौपालें लोगों को बैठने के लिए, कभी कभी बाहर के मुसाफिर भी होते हैं उनके सोने के लिए भी काम आ जाती है। धर्मशालाएँ तो सब जगह होती नहीं हैं, होटल होते नहीं हैं, ये भी बहुउद्देशी होती हैं चौपालें, यही उद्देश्य था। और इस साल तक राज्य के सभी 52,000 गांव में चौपालें मिल जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल भार्गव जी। तो एक नई पहल यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार करने जा रही है और गांवों के, यानी कि 52,000 गांवों में एक विशेष तौर पर चौपाल बनाई जाएगी जो बेहद खूबसूरत होंगी और साथ ही साथ राहगीरों के अलावा गाँव वालों के लिए भी एक बैठने का स्थल के तौर पर विकसित की जा सकेगी। कैमरामैन अनवर के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल।